حينما حل البلاء جئت إليك ذليلا أناجي من لي غيرك ربي. Assalamu alaikum dear viewers, now we are back live again. We are right now currently traveling from Rawalpindi to Karachi in Kainat Travels. अभी हम जिस बस में हैं, वो business class bus है Kainat Travels की. पिंडी से हम निकले और business class bus है. जिस तरह से tour आगे बढ़ता जाएगा, आप पूरी video देखें, आप लोग पूरी bus का visit होगा, पूरी bus के बारे में आपको बताया जाएगा. तो इंशाल्लाह ताला पूरे trip के हवाले से आपको guide भी करेंगे. आप लोग पूरी video देखिएगा, bus का भी हम आपको review देंगे. इंशाल्लाह ताला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, हम आपको कायनात ट्रैवल्स में दिखाते हैं उनका इंफोटेनमेंट सिस्टम. ये हर सीट पे एक एलईडी लगी हुई है और ये जो एलईडी है इसमें देख रहे हैं आप, एक एंटरटेनमेंट का बॉक्स है, सर्विस का बॉक्स है, अबाउट अस, ये करंट लोकेशन बताता है आपको, कॉल टू वेटर है, न्यूज़पेपर पढ़ना है या ई बुक. एंटरटेनमेंट हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पहले मूवीज़ आती हैं, मूवीज़ में हॉलीवुड हैं, बॉलीवुड हैं, उर्दू डब्ड, कॉमेडी, चिल्ड्रन, डॉक्यूमेंट्री. तो किसी भी मूवीज़ पे क्लिक करें आप तो आप देखें ये लंबी अच्छी लिस्ट है जिसमें ओल्ड मूवीज़ भी हैं, न्यू मूवीज़ भी हैं, मिक्सचर है, जो भी आपको अच्छी लगे, फैंटेसी भी हैं, एक्शन भी हैं. तो यहाँ पर काफ़ी मूवीज़ हैं इधर. उसके बाद जैसे आप वापस जाएँ इसमें, और बॉलीवुड है आपके पास, उसमें भी अच्छी मूवीज़ हैं हमारे पास. इसके अलावा जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल लोकेशन फाइंडर पर जा रहे हैं आप, तो यहाँ पर आपको लोकेशन बताएगा. शायद ये भी गूगल इनका एक्सेप्ट करें इसको. तो ये कायनात ट्रेवल्स का बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है. हमें एक हैंड्स फ्री भी इन्होंने हेडफोन दिया है, इस किस्म का हेडफोन है. इस हेडफोन को पहन के हम जो हैं आराम से अपना एंजॉयबल जर्नी कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम लोग कायनात के ट्रेवल्स में पहले रेस्ट रूम में रुके हैं. अच्छे रेस्टरूम्स हैं, वॉशरूम की अच्छी सहूलत मौजूद है यहाँ पर, वज़ू खाना भी है. 10 मिनट का टाइम दिया है हमें. बहुत मुतादद फैमिलीज यहाँ पर आई हुई हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है. बस भी काफ़ी हद तक बेहतर है. हम लोग बिज़नेस क्लास में नहीं बैठे हैं. बिज़नेस क्लास में जो है वो सोफ़ा सीट्स हैं, पाँव फैलाने की जगह बेहतर है, लेग रूम बेहतर है. 4700 का टिकट था हमारा, 3700 का टिकट है. ये रेस्ट रूम है सिल्वर स्पून के नाम से, गौर में सिल्वर स्पून. और ये तमाम बसेस यहाँ पर कायनात के अलावा डेबू और जो भी बसेस हैं वो यहाँ पर रुकी हुई हैं. तो माहौल काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप. बैठने की जगह काफ़ी बेहतर बनी हुई है. फैमिलीज वगैरह बैठे हुए हैं, ब्रांड्स वगैरह अवेलेबल हैं काफ़ी हद तक. बस वाला हमारा हॉर्न बजा रहा है, 10 मिनट उसके ओवर हो चुके हैं, तो हम बस में जा रहे हैं. कायनात बस ही सामने नजर आ रहा होगा आपको, बिजनेस क्लास. ये देखें डेबू और कायनात एक साथ खड़ी है. डेबू एक्सप्रेस अभी निकल रही है, ये डेबू वाले के जाने का टाइम हो रहा है, ये कायनात एक्सप्रेस में बस वाले बैठ रहे हैं. बिजनेस क्लास बस है हमारी, तो इंशाल्लाह आगे भी आपको बताते जाएंगे. जब बस में बैठेंगे तो वीडियो बना के बैठेंगे तो आपको बिजनेस क्लास सीट भी दिखा देंगे. ये हमारा रेस्ट रूम एरिया है, बिजनेस क्लास. कायनात ट्रेवल्स बिजनेस क्लास बस. जी अस्सलाम वालेकुम, ये कायनात ट्रैवल्स की तरफ से खाना दिया गया, चिकन कोरमा और 2 रोटियां. और काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं हम लोग. यहाँ पर देखें कायनात ट्रैवल वालों ने यहाँ खाने का जहाँ अरेंजमेंट किया है, काफ़ी बेहतर जगह है. जो बिजनेस क्लास वाले हैं उनके लिए अलग खाने की जगह है, और जो यहाँ पर हैं उनके लिए खाने की जगह अलग है. तो काफ़ी अच्छी जगह है, खाने के अरेंजमेंट, पानी की बोतल है और रोटियाँ रखी हुई हैं. 2 रोटियाँ दी हैं, कोरमा दिए. खाना खाते हैं फिर आपको टेस्ट का बताते हैं. व्यूअर्स, वी आर हेयर एट मुल्तान्स रेस्ट स्टेशन. बहुत अच्छा पीसफुल माहौल है, बहुत प्यारा माहौल है, बहुत अच्छी बस सर्विस है माशाल्लाह. खाने में हमको 2 रोटी
और एक प्लेट कोरमा जिसमें दो बोटियाँ थी। टेस्ट भी अच्छा था और अच्छा तरह से हमने खाया। अगर आप अलग से कोई चीज़ देंगे जैसे चाय 40 रुपए की कप है, कोल्ड ड्रिंक 40 रुपए की है, तो इस तरह के रेट्स हैं। देखिए ये योंगटोंग मास्टर सखर से लाड़काना, सखर लाड़काना से चल रही है। इसी तरह से यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। मुल्तान में है हम लोग, रेस्ट स्टेशन मुल्तान की तरफ है हमारा, ये मुल्तान है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस राइट नाउ अप टिल नाउ। सीट्स थोड़ी कोजी हैं लेकिन ऐसी बात है, आप बैठे रहते हैं तो आपको एक नमनेस सी फील होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप करें तो आप उठ के अपने पाँव हिला लें, अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। मतलब अच्छा है ये, आपके 3700 में खाना और ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। स्पेस बनी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे जो 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स हैं बिजनेस क्लास वालों को, यहाँ पे सर्व किया जा रहा है। अच्छी जगह पे ओपन एरिया है और आई गेस राइस भी सर्व किया गया है। तो इट्स ऑल इन ऑल इट्स अ गुड इकोनॉमिकल वे ऑफ ट्रैवलिंग। इफ़ यू कॉन्ट बेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग इन टू द एयरलाइन और यूजिंग द ट्रेन, सो इट कैन बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। देखें 4700 में ये चीज़ अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मोरो रेस्ट हाउस में हम रुके हुए हैं और सिंध का एरिया है मोरो। पहले हम रुके थे मुल्तान के रेस्ट हाउस में, अब रुके हैं मोरो के रेस्ट हाउस में नाश्ते के लिए। काफ़ी फ़र्क है पंजाब में और सिंध के अंदर फैसिलिटीज़ का। जो वहाँ के रेस्ट हाउस थे वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साफ़ थे, सुथरे थे। फैसिलिटीज़ से मुराद ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वॉशरूम्स और वहाँ पे जो वॉशरूम्स के अंदर जो पानी के साथ चीज़ें अवेलेबल होती हैं और जो क्या कहते हैं आपकी सफाई होती है, साबुन वॉशरूम में अवेलेबल होना, ये सब चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ों को अवेलेबल नहीं थी। मैं यही कहूँगा कि बहुत अल्लाह ताला हमको हिदायत है मुसलमानों को कि चीज़ों को अवेलेबल करें। बस हमारी देखें जा रही है तो अब हम बस की तरफ जाते हैं। बाकी बातें हम रिव्यूज़ अब इसके बाद आपको नज़र आएंगे कि बस की सीट में क्या खासियत है, क्या खासियत नहीं है और क्या किन लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, किन लोगों को ट्रैवल नहीं करना चाहिए भाई बस। तो इंशाल्लाह इसके बाद रिव्यूज़ आएंगे, पूरी वीडियोज़ देखिएगा। Dum 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 d